चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, छह फिनिशेस सोल की बात करें 9 के साथ, चारों प्लेयर बचे हुए हैं वहीं पे। ओजी की बात करें, चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, दो फिनिशेस उन्होंने निकाले और अब बमबारी होने वाली है ओजी की स्क्वाड पे। औरंगटान देखना पड़ेगा यहां से वो निकल पाएंगे या फिर नहीं। सर्कल तीनों टीम के पास है, बट सबसे ज्यादा फायदा अगर मुझे किसी का दिखाई दे रहा है तो वो है एक्सो का। बढ़िया स्प्लिट हमें उनके द्वारा देखने को मिलेगा और इसी के साथ गॉबलिन का बढ़िया ग्रेनेड। एश डाउन हुए, विलीप की बात करी जाए उनके पास एक अच्छा एंगल रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली सोल की स्क्वाड ने वो चीज देखी ना हो, बट गॉबलिन का एक और ग्रेनेड आता हुआ, विलीप का ये ग्रेनेड दोनों प्लेयर को डाउन जरूर कर सकता है। बेहतरीन ग्रेनेड हेड पे डाउन हो गए, गॉबलिन एचपी बहुत ज्यादा कम, विलीप व्हाट एक लौटा प्लेयर वहां पे बचा हुआ, सोल का क्या यहां पे एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। जी हां, एक ओपी बचा कुचा काम खत्म करेंगे और इसी के साथ सोल देखते ही देखते एलिमिनेट होते हुए, बट जिस तरीके से विलीप ने वहां पे खेला है दमदार प्रदर्शन। ओह माय गॉड, बिलीव यहां पे वी कांट बिलीव इट कि बिलीव ने यहां पे क्या करके दिखाया। बट अभी के लिए अगर हम बात करें टीम एक्सो की, उनके दोनों हाथों में लड्डू है, बिकॉज उनको पता है कि सामने प्लेयर्स ऑलरेडी नॉक्ड आउट है, एक स्क्वाड का एलिमिनेशन हो चुका है, ये भी उनको इंटेल है। और अब टीम एक्सो एक ईजी यहां से विनर विनर चिकन डिनर लेकर के जाने में बहुत ही आसानी से सक्षम रहेंगे। एक केओपी इज द ओनली मैन स्टैंडिंग द लास्ट होप ऑफ टीम ओरंगटान, छह फिनिशर्स ऑलरेडी इनके पास आ चुके हैं। रिवाइवल यहां पे अलाउ करेगी नहीं टीम एक्सो। आप देखिए प्लेयर्स जो वो धीरे धीरे क्लोज इन कर रहे हैं, वो जो ब्रीदिंग स्पेस है वो और भी ज्यादा कम होता हुआ टीम ओरंगटान के एक ओपी के पास, बट अभी भी एक होप जरूर से रहेगी। वही बात करें सेंसे की, वो वीकर लेकर के जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये ग्रेनेड जाएगा।